रहमान मेरी बड़ी बात छेड़ दी है। मेरा हाथ थक गया। इज इट वर्थ इट? रोल है? हाँ जी रोल है। आ जाएगी आवाज सर। आप सबका धन्यवाद और आप सबके सहयोग के लिए आप लोगों को इंतजार भी करना पड़ा और ज्यादा लंबी हम कोई प्रेस वार्ता का कार्यक्रम नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का कोरोना वायरस को लेकर जो सावधानियां बरतनी चाहिए हम और आप सबको, तो बिल्कुल संक्षिप्त में मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहले इस अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि जिस मेरे को इस उपयुक्त समझा राज्यसभा में अपने उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने रखा। कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, कांग्रेस की हमारी महासचिव प्रियंका जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी हरियाणा के आजाद साहब का, हरियाणा कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष आदरणीय शैलजा जी का, हमारे नेता विपक्ष आदरणीय भिंडा साहब का और कांग्रेस के विधायक दल के सभी विधायकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस राज्यसभा चुनाव में सबका आशीर्वाद मिला। साथ ही मैं हरियाणा के करोड़ों लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जितना आशीर्वाद साथ सहयोग मुझे इस चुनाव में मिला और लगातार मेरे राजनीतिक सफर में आज तक सबका इतना आशीर्वाद और इतना सहयोग जो मिला हरियाणा के करोड़ों लोगों का मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूं। और खास विशेष तौर से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र जो मेरा रहा 15 वर्ष तक जो मैंने 4 चुनाव लड़े रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता का भी मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि उनका हमेशा सदैव आशीर्वाद मेरे साथ रहा। निरंतर 3 चुनाव में बड़े अंतर से मेरे को जीत भी हासिल हुई और इस बार हालांकि जीत हासिल नहीं हुई मगर लोगों के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रही, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रही। मैं उनका भी इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहता और मेरा प्रयास रहेगा चाहे वो हरियाणा के एक मतदाता का वो आशीर्वाद है चाहे हमारी पार्टी का आशीर्वाद है, मैं अपने आप को इस आशीर्वाद के काबिल साबित करूँ। मैं दिन रात लग के ईमानदारी से ये कोशिश मैं करूँ। बाकी कोई आपका कोई इसके अलावा अखबारों में छपा है कि प्रियंका गांधी ने आपको कहा था कि राज्यसभा की सीट मत लो और देश के अगर से देश की सीट लो, ये कहा कि ये बात सच्ची बात थी? ये सच है या गड़बड़ है? ये जो मैं समझता हूँ कि
इस प्रकार की, जहां तक मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूं आपका, हमारा कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी संगठन के पद की का फैसले की बात हो, कांग्रेस के किसी भी चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने की बात हो, उम्मीदवार बनाए जाने की बात हो, तो हमारी प्रक्रिया रहती और हमारा शीर्ष नेतृत्व सारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोई भी फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है और जो भी वो नेतृत्व फैसला लेता है उस पे हम सब मिलकर उसको सिरे चढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला लिया और उसमें जो है जो किसी की क्या अंदर की बातें होती हो, देखिए क्या है जो है प्रक्रिया, प्रक्रिया में आपके कहने से ना मैं हार कहूंगा ना ना कहूंगा, कोई प्रश्न पूछने का अधिकार आपको है, ठीक है, तो हम ये उत्तर उत्तर देने का अधिकार मेरे को है, प्रजातंत्र की यही महिमा है और यही खूबी। आप उस प्रश्न को 5 बार घुमा के पूछेंगे तो मैं 6 बार घुमा के उत्तर भी वही दूंगा। प्रक्रिया हमारी है, उस प्रक्रिया के बारे में अंदरूनी क्या चर्चाएं हो या ना हो और बातों से जो है मैं समझता हूँ वो कोई सार्वजनिक मंच के जो है उसमें सार्वजनिक मंच पे इसका वो विषय नहीं रहता। मगर मैंने जैसे कहा कि पूरे शीर्ष नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला है, मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और जहां तक मेरे से हो सकेगा अपने प्रदेश के अंदर भी और अपने प्रदेश के और पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो मुझसे हो सकेगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं वो पूरे प्रयास करूंगा। सर, जो पिछली बार तंवर जी जो प्रदेशाध्यक्ष थे, सवाल उठी और आपका सीट कोर्ट की चीजें सामने आई तो दोबारा क्या शुरुआत है सर? वो जलजा जी नहीं आई और टिकट की दावेदार थी। देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की बात है, हम सब एकजुट हैं। जिस समय टिकट का फैसला हुआ, सबसे पहले मैं हमारी प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी के निवास स्थान पे मैंने जाके उनसे आशीर्वाद मांगा, शुभकामनाएं मांगी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, शुभकामनाएं भी दी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ अगले दिन मैं आया नामांकन भरने के लिए और मुझे विश्वास है कि हम एकजुटता से मिलकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस हरियाणा के किसान की गरीब की लड़ाई लड़ेगी। हरियाणा में इस जेजेपी और भाजपा सरकार के जो जो गठबंधन है, जो बेमेल गठबंधन है, जन विरोधी गठबंधन है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी शैलजा जी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारा संगठन लड़ाई लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनकी ओर से जो भी जिम्मेदारी मेरी लगाई जाएगी मैं पूरी लगन से उस जिम्मेदारी का को निभाने का काम करूंगा, पूरा साथ और समर्थन देकर अपनी पूरी जो है क्षमता से ऊर्जा से पार्टी की ओर से शैलजा जी के माध्यम से जो भी जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताई कि मैं सदा उसको निभाने के लिए तत्पर दिखाई दूंगा। सर, आप चौथी बार संसद सदस्य बने हैं, संभवतः देश के सबसे युवा हो सकते हो, तो ऐसे में यूथ के आप आइकॉन हो, तो उनकी क्या प्राथमिकता है रहेंगी? यूथ का पता है आपको, कुछ यूथ जेलों में भी बंद है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या आपका रोडमैप होगा? ये मैं जो है इसमें आज मुझे सुबह मेरी जानकारी में एक चीज आई कि फोर्थ टर्म, चौथा जो टर्म है, इससे पहले सबसे कम आयु में कमलनाथ जी जब 45 साल की आयु में फोर्थ टर्म के सांसद बने थे, तो चौथी टर्म देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे को जो मिली है, जो है 42 साल की आयु में, तो मैं जो है मैं समझता हूँ कि इसका
जो है मैं हरियाणा के लोगों को और अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो इतनी भावना है, इतना आशीर्वाद रहा है, मैं उसको उनको श्रेय देना चाहता हूँ। मैं मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इस आशीर्वाद के अपने आप को काबिल साबित करूं। जहां तक हरियाणा की बात है, ये तो एक रिकॉर्ड की जो बात थी, रिकॉर्ड के कोई मायने नहीं होते प्रजातंत्र में, परफॉर्मेंस की मायने होते। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में कैसे 15 सांसद देश की संसद में है, आपको पता है परिस्थिति की 15 में से 10 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 सांसद सत्ता दल के हैं, भाजपा के। आज इस चुनाव के बाद विपक्ष की वहां पे आवाज बनने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे, और मेरा प्रयास रहेगा कि विपक्ष की आवाज भी सदन के चार दीवारी में, विपक्ष की आवाज भी हरियाणा से बुलंद हो, विपक्ष का दृष्टिकोण भी पहुंचे, क्योंकि प्रजातंत्र तब मजबूत है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से अपना काम करें। तो इसीलिए बैलेंस के लिए, हालांकि एक तरफ नंबर का बैलेंस नहीं है, एक तरफ 14 हरियाणा से भाजपा के सांसद जाएंगे, मगर मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं, क्योंकि आप भी प्रजातंत्र के जागरूक प्रहरी हो, आप लोग भी चाहते हैं प्रजातंत्र के अंदर सभी की आवाज आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाता हूं हरियाणा के, विपक्ष की आवाज भी बराबर उनको संसद से, संसद की चार दीवारी से सुनाई देगी। महत्वपूर्ण ये इसीलिए भी है कि हरियाणा की जो सरकार, बीजेपी और जेजेपी की सरकार, गठबंधन सरकार की जो दिशाहीनता दिखाई दे रही है हरियाणा में, आज उसको लेके बड़ी चिंता हमें सबको हो रही। जो हरियाणा 2014 में देश में विकास दर में नंबर एक था, निवेश दर में नंबर एक था, और बेरोजगारी जिस प्रदेश में सबसे कम थी 2.8% 2014 में कांग्रेस के सरकार के समय, आज 6 वर्ष के बाद वही हरियाणा विकास दर में जो पिछड़े प्रदेश है उनमें हरियाणा गिनती है, निवेश कुछ हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, और बेरोजगारी 30%, त्रिपुरा के साथ हरियाणा की बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। नशे के मामले में, नशे के चपेट के 22 सबसे ज्यादा जिले हैं, उनमें से 10 हरियाणा के हैं, उनमें सबसे हरियाणा की आगे गिनती है। अपराध दर पूरे देश में, अपराध दर और महिलाओं के ऊपर अपराध दर में अगली पंक्ति के खड़े राज्यों में से एक हरियाणा का नाम दिखाई दे रहा है। तो साफ है कि हरियाणा की जो नौजवान पीढ़ी है, सरकार की दिशाहीनता की सबसे बड़ी चोट उनको पड़ी है, जिस नौजवान पीढ़ी को सरकार ने बेरोजगारी, नशे और अपराध की तरफ झोंकने का काम किया है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था डामाडोल है हरियाणा की, जिसकी वजह से आज किसान पे चोट पड़ी है, गरीब आदमी पे चोट पड़ी है, छोटे व्यापारी आर्थिक मंदी की चपेट में है और कर्मचारी दुखी। ऐसे में लोगों के हकों की लड़ाई लड़ी जाए और एक सकारात्मक विकल्प योजनाबद्ध तरीके से, दूरदर्शिता से हरियाणा किस तरह विकास के रास्ते पे वापस आए और देश में दोबारा सबसे आगे पहुंचे, ऐसी एक सकारात्मक विकल्प की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी पहुंचे, केवल सत्ता की आवाज ना पहुंचे, एक विकल्प की आवाज भी वहां मजबूती से पहुंचे, ये मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा हरियाणा को लेके, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं एक बात और कहूंगा इसको लेके, फिर आप पूछ देना। मेरी जहां तक बात है, मेरी ड्यूटी लोगों ने हमारे देश में लोगों की सेवा करने के माध्यम है, संवैधानिक रास्ते हैं देश सेवा करने के लिए। आज से 15 साल पहले मेरे लिए एक रास्ता खुला था रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में। मैंने 15 वर्ष
सब कुछ निछावर अपना करके मैंने ईमानदारी से अपने लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में देश में बुलंदी में पहुंचे, रोहतक की आवाज देश के कोने कोने में जाए सदन के माध्यम से। वो मेरी एक जिम्मेदारी थी, अब ये दूसरी जिम्मेदारी मेरी लगी है और इस जिम्मेदारी ने मेरा निर्वाचन क्षेत्र रोहतक ना होकर पूरा हरियाणा आज विधानसभा के 90 विधायकों के माध्यम से पूरा हरियाणा ही मेरा निर्वाचन क्षेत्र आज बना है। तो मैं इस जिम्मेदारी को भी उतनी मेहनत उतनी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा कि हरियाणा की आवाज हरियाणा के लोगों की आवाज सदन में पहुंचे और हरियाणा की मान सम्मान की पगड़ी देश में ऊपर जा सके और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से आत्मा से मैं निभाने का उसी तरीके से और उससे भी ज्यादा प्रयास करें। दीपेंद्र जी, ये जो 28% की बेरोजगारी का जो आंकड़ा आ रहा है इसको हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया, चुनौती दी है, ये आंकड़ा गलत है। जिस भी किसी एक मैगजीन का वो नाम लेते हैं कि जिस मैगजीन ने लिखा है 28% बेरोजगारी का, वो गलत है, ये आंकड़ा ही गलत है। तो क्या आपके पास कोई उस मैगजीन में जिसमें छपा उसके अलावा कोई और भी आंकड़ा जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि 28 से 30% बेरोजगारी है? मैं केवल देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा कि फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में सबसे कम बेरोजगारी दर करने का काम किया है। तो अगर प्रधानमंत्री जी उस आंकड़े को महाराष्ट्र में मान रहे हैं तो हरियाणा में भी मुख्यमंत्री जी को आंकड़ा मानना चाहिए। मगर मैं आंकड़ों के नहीं, मैं उस प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड का की गवाही मानता हूं जहां जब ग्रुप डी की भर्ती हुई या कोई इम्तिहान हुआ जो लाखों हरियाणा का युवा उमड़ के आए, देश ने ऐसा दृश्य नहीं देखा जो हरियाणा के अंदर देखने को मिला। बिहार पश्चिम बंगाल जिन प्रदेशों में पारंपरिक तौर से बेरोजगारी ज्यादा है वहां भी इस प्रकार के दृश्य नहीं देखे। मैं उन युवाओं की भी गवाही उस आंकड़े के साथ मैं मानता हूं। बाकी मुख्यमंत्री जी जो जवाब दे उनका अपना प्रेरोगेटिव है, जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबी है आप सवाल पूछे जाएंगे हम जवाब दिए। दीपेंद्र जी आपसे पहले लोकसभा में गए और राज्यसभा में आए, आपके स्टेट का पूरा सिनेरियो हो गया, तो क्या प्रायोरिटी आपकी रहेंगी? दूसरा, मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक संकट चल रहा है कमलनाथ सरकार पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे मध्य प्रदेश में उम्मीद है और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की वहां की सरकार कमलनाथ सरकार इस संकट से निकलेगी। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे बनाई थी, उस विश्वास को कायम रखा जाएगा, आने वाले दिनों में सारी बात आपके सामने आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। पूरी उम्मीद राज्यसभा में आने के बाद किस तरह का हरियाणा में आप क्या प्रायोरिटी के साथ उतरेंगे काम करेंगे? सही बात है कि भाई तो मैंने आपका जवाब पहले भी दिया है, हरियाणा की सरकार की कार्यशैली को लेकर जो बातें हैं विपक्ष की जो पहुंचनी चाहिए वो पहुंचेंगी, हरियाणा प्रदेश के अधिकारों को लेकर जो राजनीति से ऊपर उठ के जो बातें पहुंचानी है वो पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। देश हित में लोकतंत्र के हित में जो राष्ट्र स्तर की कई बातें हैं जो रखी जानी चाहिए उन बातों को मैं रखने का प्रयास करूंगा। किसान की, गरीब की, नौजवान की जो लड़ाई संभवतः जो लड़नी की आवश्यकता है उस लड़ाई को लड़ने का हम प्रयास ही हैं। आपके पुराने साथी ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस को छोड़ के चले गए, लगातार गुटबाजी हो रही है, तो आप क्योंकि हाईकमान के भी टच में रहे हैं, क्या कांग्रेस फोन कर रहे हैं स्टेट में और नेशनल लेवल पे भी, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए ये हमारे सबके लिए निराशाजनक बात थी, दुर्भाग्यपूर्ण बात थी
कि वो पुराने साथी को अगर छोड़ के जाए तो उससे कोई कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ा दल है और बड़े दल में आना जाना भी लगा रहता है, विचारधारा कायम रहती है, व्यक्ति कायम नहीं रहते। निश्चित तौर से जो 2019 का नतीजा रहा वो निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये जो उस नतीजों के बाद का जो समय, ये समय चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर पे अगर हम उत्तर भारत की बात करें। और इस संदर्भ में जो प्रयास जिम्मेदारी मेरी लगेगी पार्टी की ओर से, और जो प्रयास मैं कर सकूंगा वो प्रयास, उन प्रयासों को करने में मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। लेकिन कल घोड़ा साहब ने अभय सिंह चौटाला का नाम तो क्लियरली दिया था, लेकिन अब सुभाष बराड़ ने कहा कि देवीलाल परिवार ऐसा है जो कांग्रेस का कभी जा ही नहीं सकता, आपके इस दावे को खंडित कर दिया। आप सीधा पूछोगे हम घुमा के आंसर कर देते हैं। आप लोग के माध्यम से मैं ना सिर्फ कांग्रेस विधायक दल के 31 विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा, मगर मैं उन निर्दलीय और उन जजपा के विधायकों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने रात को मेरी उम्मीदवारी के बाद मेरे को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्योंकि अगले दिन तक ये नहीं पता था कि उम्मीदवार आएगा कि नहीं आएगा, मैं उन सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो जो समर्थन देने का उन्होंने आश्वासन दिया, मैं जो है उनको उस बात के लिए उनका भी आशीर्वाद मैं पूरा मानता हूँ। और उनके साथ साथ, क्योंकि अब तो निर्विरोध हो गया, तो मैं अब उनके साथ साथ बाकी पूरी विधानसभा का भी, सभी विधायकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो विधानसभा का जो राज्यसभा का चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा की राजनीति को एक नई मोड़ और एक नई दिशा देगा। ठीक है।